आजम के गढ़ में समाजवादी पार्टी की हार, मायावती ने एसपी पर उठाए सवाल, क्यों कहा मुस्लिमों को सोचने की जरूरत। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद पहली बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की जीत और रामपुर में बीजेपी की जीत पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कई सवाल खड़े किए हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने रामपुर में समाजवादी पार्टी की हार को लेकर सपा और बीजेपी पर मिली भगत का आरोप लगाया है। मायावती ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को इस बारे में बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। रविवार को एक के बाद एक ट्वीट करते हुए मायावती ने लिखा, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की जीत हुई है, लेकिन रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर योजना के तहत कम वोटिंग करवा कर समाजवादी पार्टी की पहली बार हार हुई है। मायावती ने आगे लिखा कि ऐसे में ये चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये सब समाजवादी पार्टी और बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत का परिणाम तो नहीं। बीएसपी सुप्रीमो ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, इस बारे में खासकर मुस्लिम समुदाय को काफी चिंतन करने और समझने की जरूरत है, ताकि आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। वहीं खतौली विधानसभा की सीट पर बीजेपी की हुई हार को भी लेकर वहां काफी संदेह बना हुआ है, ये भी सोचने की बात है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा में उपचुनाव हुए थे। उपचुनावों में जहां मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा में समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने बीजेपी को करारी हार दी, तो वहीं रामपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने सपा को हराते हुए सियासी इतिहास रच दिया है। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर उपचुनाव में आजम खान के करीबी आसिम रजा की हार हुई है। यहां बीजेपी ने पहली बार जीत का परचम लहराया है, जबकि बीते 45 सालों में पहली बार सपा इस सीट पर चुनाव हार गई है। वहीं मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य को 2,88,000 से ज्यादा मतों से करारी शिकस्त दी है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से मैनपुरी सीट खाली हुई थी, जिसके बाद सपा ने मुलायम सिंह यादव की बहू को चुनाव मैदान में उतारा था। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा में हुए उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। कांग्रेस भी इस उपचुनाव में नहीं उतरी थी। ऐसे में उपचुनावों में सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।